दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल इंडियाज नंबर वन इमर्जिंग स्कूल जहां है एकेडमिक्स स्पोर्ट्स एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स का बेहतरीन कॉम्बिनेशन एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्री नर्सरी टू नाइन्थ ये हमने भविष्य में कभी ये नहीं सोचा था कि हमारे देश के ऊपर ऐसे कोरोना वायरस की आपदा आ जाएगी। इससे पूर्व हमने क्या है कि हमारी एक सोच बनी, हमने जो पूर्वजों से जो अपने बड़ी बड़ी सिटियों में जो एक आर्थिक सामान की जो सुविधाएं दी जाती है उसको मद्देनज़र रखते हुए हमने अजमेर में गड्डी मालियान मुक्ति धाम के अध्यक्ष होने के नाते हमने एक सुझाव आया। उस सुझाव के आधार पर हमने ये वैन है जो श्री बलवंत सिंह सैनी अपने माली समाज ने इसको डोनेट किया, फिर उसको हमने वैन का धारण करके और उसके अंदर पूरा टोटल मतलब है कि अपतियों अपने अर्थी का सामान प्लस जो परचूनी का सामान जो लाते हैं अपन वो सारा सामान इस वैन के अंदर अवेलेबल रहता है। किसी के भी यहाँ से फ़ोन आता है, फ़ोन आने के तुरंत बाद मतलब 10-15 मिनट में हम अपनी सेवाओं को लेकर उसके दरबार द्वार पर पहुँच जाते हैं। जैसा जिसको जो सामान चाहिए वो सामान उनको हम उपलब्ध करवा देते हैं। उसके उपरांत गड्डी मालियान के लिए हमने सब यात्रा वाहन भी लगा रखा है। अभी जो है ये कोरोना गाड़ी वैन लगाई है जिसमें सामान देते हो, ठीक है, निःशुल्क देखते हो या कोई रेट लेते हो आप? इसमें अपने जो जो आर्थिक का जो सामान है मार्केट से हमने इसकी एक तुलना करी, उस तुलना के आधार पर हम पार्टी को नो प्रॉफिट नो लॉस के अंदर ये सामान उपलब्ध कराते हैं। इसमें केवल हमारा कोई कमाने का ध्येय नहीं है, हमारा ध्येय केवल अपने समाज सभी समाज के बीच में जाकर हम सेवा उपलब्ध करवाएं। तो वो एक जैसे अभी प्रधानमंत्री जी ने आज मतलब देश के लिए जो एक आह्वान किया उस आह्वान को हम मद्देनज़र रखते हुए हमारी सोच बदली, सोच को ध्यान में रखते हुए हम सेवाओं के अंदर जो ये गाड़ी लगा रखी है ये बहुत ही अभी उपलब्धि साबित हुई। लोगों ने इसको सराहा कि बोले भाई ऐसी सेवाएँ मतलब जारी रखी जाए, हमको इससे कमाने का कोई बोलना आवश्यकता नहीं है। सेवा खाली गड्डी मलयान में है और कहीं भी शमशान स्थलों पर? अजमेर के किसी भी कोने से हमारे पास इसके टेलीफोन जो नंबर दे रखे हैं हमने, मोबाइल नंबर, किसी का भी फ़ोन हमारे पास आता है। जैसे अपने कोटड़ा है, मित्तल हॉस्पिटल के पीछे वाला एरिया है, रामनगर एरिया है, वैशाली नगर है, शास्त्री नगर है, पूरे अजमेर में मतलब जैसे जैसे 9 हमारे पार्षद लगते गड्डी मलयान मुक्ति धाम क्षेत्र में, लेकिन उसके अलावा भी हम ऐसे संकट की घड़ी के अंदर हम पूरे अजमेर को कवर कर रहे हैं जिससे हमको सभी की तरफ से अच्छा सराहा जा रहा है कि भविष्य में मतलब हम सोचते कि ये आगे ये अर्थी वगैरह का जो सामान वगैरह की उपलब्धियाँ बराबर लोगों को सेवा में देते रहे। नेमीचंद बगेरवाल, अध्यक्ष गड़ी मालियान मुक्ति धाम विकास संघ। ये आरती का पैकेज है, जैसे इसमें बांस है, खपच्चियाँ हैं और इसका जो पूस आता है वो है, अपने हवन सामग्री है, घी है, नारियल है और कपड़े हैं, शॉल है, शक्कर है और अगर किसी की बेकुल यात्रा निकालते हो